वेलकम स्टूडेंट्स टूडे देयर इज एन ए इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू स्पेशली फॉर क्लास सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ दैट इज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर इन दिस वीडियो यू विल नो हाउ डू वी चेंज सिंगुलर नंबर इंटू प्लूरल नंबर तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर किसे कहते हैं जिसे हम हिंदी में वचन भी कहते हैं वेन द नाउन रिफर्स टू वन और मोर आइटम और ऑब्जेक्ट इट इज नॉन एज नंबर यानी कहने का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं से हमें एक या अधिक होने का पता लगता है जिन शब्दों के द्वारा हमें एक से अधिक होने का पता लगता है तो उसे हम नंबर कहते हैं या वचन कहते हैं हम तो ये दो प्रकार के होते हैं देर आर टू काइंड ऑफ नंबर फर्स्ट इज सिंगर नंबर एंड सेकेंड इज प्लोरल नंबर सिंगुलर नंबर मीन्स इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ नाउन और प्रोनाउन जहां जहाँ पर हमें एक ही वस्तु होने का बोध होता है एक का बोध होता है जैसे पेन सिटी वाइफ हैन बेंच तो जितने एग्जाम्पल हैं इनसे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर केवल एक की बात की गई है एक नंबर की बात की गई है इसलिए हम इसे इसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं और इसके ठीक अपोजिट जहाँ पर हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी होती है होने की उसे हम प्लूरल कहते हैं जैसे पेन में यदि हमने एस जोड़ दिया तो पेन्स हो गया यानी वो एक से अधिक पेन है मोर देन वन पेन मे बी टू थ्री फोर फाइव सिटीज में हमने ई एस जोड़ दिया तो हमने वहाँ सिटीज हो गया वाइफ्स हो गया बेंचेज हो गया तो इन सारे हम शब्दों को देखते हैं तो इनसे हमें पता लग रहा है कि यह एक से अधिक है इसलिए हम इसको प्लूरल कहते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं हम ये समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल केवल वर्ड में नाउन में एस लगा करके बनाया जाता है बट देर इज ए क्वेश्चन हाउ टू चेंज नंबर्स सो देर आर सो मेनी रूल्स न्यूमरस रूल्स टू चेंज द नंबर्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन में बदलने के बहुत सारे रूल्स हैं एक ही रूल्स नहीं है तो ये हमारी जानकारी के अभाव में हम सोचते हैं केवल एस लगा करके प्लूरल बनते हैं लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि देर आर सो मैनी रूल्स तो फर्स्ट रूल हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट रूल्स जब सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं किसी नाउन के अंत में हम एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं और लेकिन उसमें हम देखते हैं कि उसके लास्ट में एक लेटर जो है अंत का वो कंसोनेंट होना चाहिए आप पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि वाउल और कंसोनेंट क्या होता है यानी ए ई आई ओ यू वाउल लेटर कहलाते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स हैं दीज आर ट्वेंटी वन इन नंबर्स उनको हम कंसोनेंट जान के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर जब नाउन के अंत में कंसोनेंट होगा तो सामान्य रूप से हम उसमें एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं एग्जाम्पल देखिए गर्ल उसमें एस जोड़ दीजिए गर्ल्स हो जाएगा बॉल बॉल्स बॉल, पेन पेंस बर्ड बर्ड्स सिस्टर सिस्टर्स तो लास्ट में आप देखेंगे तो फर्स्ट में एल आया सेकंड में एल थर्ड में एग्जांपल में एन बर्ड में डी आया है सिस्टर में आर आया है इन्हीं सारे कंसोनेंट है तो इनमें हम सिंपली क्या करते हैं कि लास्ट में एस लगा देते हैं और ये प्लूरल बन जाता है एक से अधिक बन जाता है यानी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है फर्स्ट रूल ये कहता है अब हम देखते हैं सेकेंड रूल क्या कहता है सेकेंड रूल क्या कहता है इफ देयर एग्जिस्ट एस एस एच एस एस सी एच और एक्स यदि किसी नाउन के अंत में ये आए क्या एस आए एस एच आए एस एस आए सी एच या एक्स आए तो उसमें हम क्या करते हैं उसके एंड में ई एस लगा देते हैं यानी उसको प्लूरल बनाने में हम ई एस लगा देते कैसे जैसे बस है एस आया है तो उसमें हमने ई एस जोड़ दिया बसेज हो गया बी यू एस एच में एस एच आया है तो उसमें ई एस जोड़ दिया बसेज वैसे ही क्लास में डबल एस आया है तो ई एस जोड़ दिया क्लासेज हो गया बेंच बेंचेज टैक्स टैक्सेज फॉक्स फॉक्सेज तो ये सेकेंड रूल कहता है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल थर्ड रूल की तरफ मूव करते हैं वो ये कहता है कि यदि किसी नाउन के एंड में ओ आए और ठीक उससे पहले कोई vowel लेटर आए तो हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने में उसमें हम एस जोड़ देते हैं उस नाउन के अंत में देखिए रेडियो है ओ आया है उससे पहले आई आया है आई क्या है vowel लेटर है तो उसमें हमने रेडियोज बना दिया एस जोड़ दिया सेकेंड में देखिए स्टीरियो में ओ आया है लास्ट में लेकिन उससे पहले vowel लेटर आया है ई तो स्टीरियोज हो गया एस जोड़ दिया वीडियो में बिल्कुल सेम यही एग्जाम्पल है हमने वहाँ पर भी वीडियोज बना दिए लेकिन इसके ठीक थोड़ा सा अपोजिट देखते हैं वहाँ पर क्या होता है जब लास्ट में तो ओ आए यहाँ पर भी ओ आ रहा था लेकिन यहाँ पर भी नाउन की लास्ट में ओ आया है लास्ट लेटर वो है लेकिन उससे पहले कोई कंसोनेंट लेटर आए यहाँ पर वाउल लेटर की बात हो रही थी जब हम ऐसे जोड़े थे लेकिन यहाँ पर हम कंसोनेंट लेटर की बात कर रहे हैं तो हम एस ने जोड़ करके ई जोड़ देते। है देखिए पोटैटो का एग्जाम्पल देखिए ओ आया है लास्ट में लेकिन उससे पहले टी आया है टी कंसोनेंट है तो इसलिए हमने यहाँ पर एस ने जोड़ करके ई जोड़ दिया पोटैटोज हो गया टोमेटो टोमेटोज हीरो हीरोस इको इकोस इको, वेटो वेटोस डोमिनो डोमिनोस तो यहाँ पर सारी चीजें सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो O है लास्ट में उससे पहले सारे कंसोनेंट लेटर आए हैं ये रूल नंबर थर्ड कहता है नाउ मूव टू नेक्स्ट रूल रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के एंड में वाई आए और उससे ठीक पहले यानी वाई से ठीक पहले कोई वाउल लेटर आए हम बार बार वाउल लेटर की बात करें ए आई ओ यू की तो उसमें हम क्या करते हैं प्लोरल बनाने में कुछ नहीं करते लास्ट में एस जोड़ देते देखिए क्या बना है देखिए डे दे बना है तो डे में एस जोड़ दिया क्योंकि वाई आया है लास्ट उससे ठीक पहले ए आया है जो वाउल लेटर है डेज हो गया होलीडे हो वाई आया लास्ट में उससे पहले वाउल लेटर वो आया है तो बॉयज हो गया टॉय में टॉयज हो गया के ई वाई में वाई आया है उससे पहले ई आया है ई एक वाउल लेटर है हमने वहां पर कीज बना दिया तो यहाँ पर हम एस जोड़ करके हम प्लूरल बना देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है नेक्स्ट रूल कहता है कि जब नाउन के लास्ट में वाई आए अभी देखो पहले रूल में भी यही हुआ था सेम वाई आया था लेकिन इस रूल में क्या कहता है उस वाई से पहले कोई कंसोनेंट लेटर आया टी आ गया देखिए पहले में सिटी लिखा है तो वाई से पहले टी आ गया अंत में वाई है उससे पहले टी आ गया टी ए कंसोनेंट लेटर है तो हम क्या करते हैं इस y को रिप्ले हटा देते हैं और इसकी जगह i लगा देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं या सिंपली हम कह सकते हैं कि उस y को हटा के आई ई एस हम जोड़ देते हैं यह अगला रूल है देखिए सिटी में देखिए y हटाया हमने और आई ई एस जोड़ दिया सी आई टी पहले से था और आई ई एस जोड़ दिया सिटीज हो गया ठीक कंट्री y रिप्लेस कीजिए आई ई एस में कंट्रीज फैमिली y हटाइए आई एस जोड़ दीजिए फैमिलीज बेबी बेबीज पप्पी पपीज लेडीज लेडीज तो आप देखेंगे बहुत इजी है दो तरीके के रूल हो गए वाई से रिलेटेड चले अब आगे देखें. रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स क्या कहता है यदि नाउन के एंड में एफ आए या एफ ई आए तो आपको क्या करना है उस एफ को हटा देना है और उसकी जगह वी ई एस जोड़ देना देखिए उल्फ एफ हटा दीजिए जोड़ जाएगा। लीफ, थीफ, ये, काफ, ये, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें बना देते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन वैसे भी इंग्लिश में कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज फुल ऑफ एक्सेप्शन अपवादों से भरी पड़ी है मीन्स कुछ रूल्स एक कंडीशन में फॉलो करते हैं लेकिन वही दूसरे कंडीशन में वो फॉलो नहीं करते है रूल्स को तो वहां पर अलग तरीके से होता है तो हम ऐसे कुछ एक्सेप्शन है उनको हम लर्न कर लेते हैं जैसे यहाँ पर रूफ आया है तो अब यहाँ पर भी एफ आया है लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है एफ़ को नहीं हटाया जाता है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं उसमें एस जोड़ देते हैं तो ये एक्सेप्शन है इनको हम लर्न कर सकते हैं जो इस तरीके के नाउन है रूफ रूफ्स बिलीफ बिलीफ्स क्लिफ चट्टान क्लिफ्स प्रूफ Proofs, तो ये कुछ एक्सेप्शन है इनको हम एज इट इज लर्न कर लेते हैं चले रूल नंबर सेवन देखते हैं रूल नंबर सेवन ये कहता है कि नाउन के लास्ट में यदि पहले कोई कंसोनेंट लेटर आए तो हम वहां पर ई एस जोड़ देते हैं कैसे पोटैटो ओ आया है और हमने इसमें खाली ई एस जोड़ देना है पोटैटोज कर देना है टोमेटोज हीरोज मैंगोज और पेपलोज तो ये सिंपली प्लूरल में चेंज हो गया लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है जैसे पियानो में ये रूल फॉलो नहीं होता वहाँ पर केवल एस लगता है फोटो में एस लगता है हेलो हेलोज ठीक है तो ये रूल कुछ एक्सेप्शन के साथ हम लेते हैं और उनको हम लर्न कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिन जिनमें ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं या वो एक्सेप्शन तो आगे हो गए समझ में अब मूव करते हैं रूल नंबर एट में रूल नंबर एट बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम ई एन आर ई एन या एन ई लगा करके प्लूरल बनाते हैं एंड में लाइक ऑक्स यहाँ पर ई एन लगा दीजिए ऑक्सन चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ पर हमने ई एन लगा दिया चाइल्ड में आर ई एन लगा दिया तो ये हमारा नाउन सॉरी ये ये नाउन हमारा प्लूरल में बन गया मूव टू नेक्स्ट रूल रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन ये कहता है कि सम नाउन आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम होते हैं कहीं उनका प्लूरल नहीं होता है वो सेम होते हैं लाइक डियर उसको हम प्लूरल में भी डियर बोलते हैं सीप को सीप ही बोलते हैं स्कोर फिश फिश को हम फिश ही बोलते हैं प्लूरल और सिंगुलर में डजन डजन को डजन ही बोलते हैं हंड्रेड हंड्रेड को हम हंड्रेड ही बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पर एस या कुछ अन्य चीजें नहीं ऐड करते हैं रूल नंबर टेन देखिए रूल नंबर टेन क्या कहता है कि सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती ओनली यूज्ड इन सिंगुलर सिंगुलर नंबर केवल सिंगुलर में ही उनको यूज किया जाता है जैसे फर्नीचर ऐसे यूज करते हैं सीनरी पोइट्री हेयर मनी लगेज एडवाइस इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे और भी नाउन आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट हम जाते हैं रूल नंबर 11 में रूल नंबर 11 कहता है कि सम नाउन सीम्स लाइक प्लूरल कुछ नाउन लगते तो प्लूरल की तरह है लेकिन एक्चुअली दे आर सिंगुलर लेकिन वो सिंगुलर ही है जैसे न्यूज तो यहाँ पर एस लगा है लग रहा है हमें ये प्लूरल है बट दिस इज नॉट प्लूरल यह सिंगुलर ही है पॉलिटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स सीबिक्स तो इसमें एस एस जुड़ा है तो लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं बल्कि इसको सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं यदि आप देखें न्यूज में से एट ह, एट ह, एस हटा देंगे तो न्यू बन जाएगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा उससे कोई सेंस नहीं बनेगा न्यूज से और न्यू क्योंकि दोनों वर्ड अलग अलग है ऐसे मैथे मैथेमेटिक्स बहुत सारे बच्चे मैं अभी भी देखता हूँ कि वो गलत प्रोनाशिएसन करते हैं मैथेमेटिक कहते हैं या मैथ बोलते हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग या आप मैथ्स बोलिए या आप मैथमेटिक्स बोलेंगे तो ये रूल ये कहता है आगे देखते हैं कौन अगला रूल क्या कहता है नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन सिंगुलर की तरह लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो प्लुरल की तरह होते हैं प्लूरल होते हैं जैसे पीपल यहां पीपल्स नहीं होता है लग रहा है ये सिंगुलर है बट ये प्लूरल होते हैं कैटल पुलिस आपने पुलिस नहीं सुना होगा पब्लिक पब्लिक से नहीं सुना होगा पब्लिक ही बोला जाता है जेंट्री यानी अच्छे लोग सज्जन लोग गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट्स नहीं सुना होगा तो ये लग रहे हैं सिंगुलर है लेकिन ये में noun, प्लूरल में ही यूज होते हैं रूल नंबर थर्टीन देखिए कुछ नाउन सम नाउन्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं सॉक्स रिचेस स्पेक्टिकल्स सीजर्स ठीक है टोंग्स थैंक्स ट्राउजर्स और मिजल्स तो यह ये, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं सिंगुलर में नहीं होते तो लास्ट रूल देखते हैं रूल नंबर फोर्टीन इसमें क्या कहता है कि यदि कोई नाउन ए ई ई या ओ ओ में एंड होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं उन उनके पीछे एस लगा देते हैं जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ए आया है गुआवा तो ए हटा ए ए के साथ हमने एस लगा दिया गुआवाज हो गया हॉर्स में ई आया है, हैसेज हो गया एस लगा दिया, ट्री में डबल ई आई है ट्रीज हो गया बैम्बू में डबल ओ आया है बैम्बूज हो गया तो ये रूल ये इस तरीके से प्लूरल बनाने के लिए कहता है तो ये बहुत सारे रूल्स हैं मैं सोचता हूं कि आपको बहुत समझ में आए होंगे अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं <coughs> आपके होम असाइनमेंट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कुछ नाउन्स दिए गए हैं और उन नाउन के प्लूरल आपको उसके आगे लिखते हैं और एक एक्सरसाइज और है इस असाइनमेंट में आपको कुछ नाउन दिए गए हैं इनको आप जो करेक्ट नाउन है जो सही है उनके आ, आगे आपको ओके okay लिखना है या टिक uh, मार्क लगाना है जो सही का निशान है और उसके बाद uh, जो गलत हैं उनको आपको करेक्ट करके उसके आगे लिख देना है तो ये होमवर्क आपके लिए रहेगा आप अपनी इसको नोटबुक में करेंगे सो आई होप यू मस्ट इन्जॉय दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू मस्ट लाइक टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक बट क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ के लिए ये रूल्स सफिशियंट uh, है और कुछ और रूल्स के बारे में आप अगली क्लास में जान जाएंगे सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो